अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ये आप देख रहे हैं, ये हैं हमारे राजा रिजवान अली खान और इनका जो सोशल साइट्स पर मशहूर नाम है वो है हैची राजा हुसैन अली राजा। तो ये मैं हूँ रमीज़ राजा। तो दोस्तों देखिए, हम कहीं आए हुए हैं, पिकनिक मना रहे हैं, हमें एक मकान मिल गया यहाँ पर। तो यहाँ हमने देखा कि जो है वो कुछ बर्तन थे और हमारा ही है मकान, मतलब यहाँ कोई रहता नहीं है। ये नहीं समझना कि हमने दरवाज़ा तोड़ के अंदर घुसे हैं, चाबी हमारे पास। क्या कहना चाहेंगे रिजवान भाई? क्या जी, कुछ नहीं, हर एक को ये काम करना ही पड़ेगा। अच्छा, तो आप हम मिलकर चाय बना रहे हैं, कुछ काम हमने किया, मैंने किया और कुछ हमारे रिजवान। आप इनको कैमरा घुमा के दिखा भी सकते हैं। हाँ जी जी बिल्कुल, तो इनकी फरमाइश पर हम कैमरा तो यहाँ से नहीं घूमेगा, आप इस तरह से हम, क्योंकि हमने इसमें बैल गया था। और रमेश जी कर्ची तो नहीं है यहाँ पे, ऐसे रखो थोड़ा, इनको दिखाओ, इनको भी दिखाओ। ये हमारी चाय बन रही है, ये देखो। तो क्या चीज नहीं है हमारे पास? कर्ची नहीं है, इसका क्या करें? इसका देसी जैसा हार लाने हैं जी, ऐसे कंबल पोड़ी ना। अच्छा, ये आप क्या कर रहे हैं? कर्ची ना होने की वजह से ऐसे इस पर घुमाना पड़ रहा है। अच्छा, ये बताइए कि ये जो कहते हैं कि अंग्रेज जब यहाँ पर आए, थोड़ी सी हम अगर तारीखी बात करें तो कहते हैं कि अंग्रेज जब यहाँ पर आए तो वो ये जो लिप्टन चाय है, काली चाय इसके नाम, जी, जी, जी। तो वो देकर गए, कभी आपने सुना अपने बुजुर्गों से? नहीं, मैं तो इस बारे में कुछ नहीं सुना। जी जी, असल में ये ही है कि ये आसाम में है, हमारे हिंदुस्तान में इसकी अच्छी खासी नख पैदावार में ये शुमार होती है, ये फसल और है ये। मगर चूँकि बड़ों की बातें भी सच्ची हैं, उनके गोल भी सच्ची हैं, तो वो बात भी हमें सुननी होगी। अच्छा, कितना टाइम लगेगा? बस इसमें ये तो बिल्कुल तैयार है, इसमें मुझे आप बताओ कि चाय में पीनी है, चाय आपने किस में पीनी है, ग्लास में पीनी है या कप में पियोगी? देखो, चाय हम जो आप कहेंगे ग्लास में पीनी है। तो दोस्तों, अच्छा आप डाल रहे हैं आप? हाँ, तो ये चादर से क्यों पकड़ रहे हैं आप? ये गर्म है। अच्छा, ये गर्म है, तो मुझे लगता है कि अच्छा, चाय जलने का खतरा नहीं होता है? नहीं, चाय असल में इसमें पानी या कोई भी चीज़ हो ना, ये इसको कोई खतरा नहीं होता है। तो ये जो है ये जलता क्यों नहीं है, क्या वजह है? ये जलता नहीं, इसमें करंट होता है। करंट होता है? वो यार, अब सादे लोग ही हैं। तो अभी आप असल में दूध में ऐसा केमिकल होता है, ये देखो हम ग्लास देकर आ गए। अच्छा, यहाँ दूध भी आप बोल रहे थे ना है, तो वो कौन सा वाला दूध है? वो दूध दूसरा है, ये बच्चों वाला। वो नहीं डालेंगे? नहीं, वो नहीं डालेंगे। अच्छा, ये राजा इमरान खान का ये जो आस्थाना है ना, हाँ। है ना? हाँ। और अच्छा, तो अच्छा आप यहाँ कैसे हम इकट्ठे मिल गए? मैं यहाँ बैठा हुआ था, आप अचानक आ? अचानक आके आपको देखा मैंने, अकेले बैठे। अच्छा, यहाँ के बारे में एक बात और कही जाती है कि यहाँ कोई असीब जदगी होती है और शरारा होता है, कोई है ऐसा आपने? नहीं, ऐसा तो मुझे कभी नहीं फील हुआ। अच्छा, ये बात सच है कि आप यहाँ अकेले रात को रहे? हाँ, मैं कल रात को भी अकेला रहा, लाइट लगाने के लिए आया था। तो क्या महसूस हो रहा था? लाइट भी मैंने नहीं लगाई, कुछ नहीं, वैसे थोड़ा थोड़ा हो रहा था ना, हवा से ये जो बंद थी, जो गैस बन रही है, हवा से ये जो गैस बन रही है ना, इसलिए उनको ज्यादा प्रेशर आ जाता। अच्छा, कहते हैं कि जो मूतखान का टारा है वहाँ पर कुछ बसा? नहीं, कुछ भी नहीं है, वैसे एक दिन था वहाँ पर गिद्दड़ी थे और कुछ नहीं। अच्छा, गिद्दड़ थे। ये देखो, ये हमारे, ओहो चाय सड़ गई। अच्छा, चाय, ओहो घड़ी चल गई, तो हमारी बात हो गई, घड़ी चल गई, चाय डोल ले। देखिए देखिए, तो अच्छा ये कहते हैं कि मैं ये चाय डोली की नहीं, ये चाय ने जिस लाइक काफी नहीं होना, ये दूध इसने भी बनाया है, उस लाइक डोलना शुरू हो जाएगी। अच्छा, ये भी दूध दही पता नहीं कोई केमिकल होने या क्या, कितना अर्सा ये चाय गड़गनी ऊपर। अच्छा, ये भाई ऊपर में आए भी कैसे है, ये देखो। नहीं नहीं, चाय मैं बहुत बार ये एक्सपेरिमेंट किया ना। अच्छा, तो ये हमारे, अच्छा चाय, आप आपकी चाय मशहूर है, बड़ी मशहूर है चाय, जब आप, तो क्या वजह है आपका, ये शौक है या मजबूरी में चाय कभी? कुछ शौक कुछ मजबूरी। इसका मतलब है तुम्हारे घर जो हमारी भाभी आएगी, दुल्हन आएगी, तो वो तो बड़ी खुश रहेगी। हाँ हाँ, वो तो खुश रहेगी, है ना? कि उस वक्त अकड़ के बैठ में ना बैठ जाना। क्या होता है इस बात का? दोस्तों बुरा नहीं मानना, हम जो है वो आज बेतकल्लुफ बातें कर रहे हैं, तो हमें उम्मीद है कि आपको हमारा ब्लॉग अच्छा लगेगा। ठीक है, चाय पीने ना तो हम अगली वीडियो ठीक है, ये हम आगे मिलेंगे आपसे। शुक्रिया।